मोहन यादव पर बीजेपी ने दाव चला है। और छत्तीसगढ़ की अगर बात करूँ तो आदिवासी समाज से विष्णुदेव साय बीजेपी की ओर से मुख्यमंत्री चुने गए हैं। तो अगर राजस्थान की हम बात करें तो यूं तो अब बीजेपी ने हर वर्ग को साथ लिया है, चूंकि अब 2024 में लोकसभा चुनाव आने वाले हैं और इसी कड़ी में अब बीजेपी की ओर से राजस्थान में भजन लाल शर्मा को CM बनाया गया है। लेकिन इस बीच आपको बता दूँ कि बीजेपी ने 2 डिप्टी CM वाला कार्ड जो है वो राजस्थान में चला है और 2 डिप्टी CM एक महिला है जो है दिया कुमारी, जो CM फेस के लिए दावेदार स्ट्रॉन्ग दावेदार मानी जा रही थी, और दूसरा है प्रेमचंद बैरवा जो उप मुख्यमंत्री होंगे। तो अब दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा उप मुख्यमंत्री होंगे और इसी कड़ी में 2024 में अब लोकसभा चुनाव आ रहे हैं। तो अगर बीजेपी का हम स्मार्ट मूव इसे कहा जा सकता है, अगर स्मार्ट मूव को समझा जाए तो छत्तीसगढ़ में आदिवासी समाज से जो CM फेस बीजेपी की ओर से बनाया गया है विष्णुदेव साय, वो आदिवासी समाज से ताल्लुक़ रखते हैं, और मोहन यादव मध्य प्रदेश के CM वो OBC कैटेगरी से आते हैं, और राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान में भजन लाल शर्मा जो कि ब्राह्मण समाज से आते हैं। तो अब बीजेपी ने कहीं ना कहीं हर वर्ग का एक CM बनाया है। और डिप्टी CM की अगर बात करें, बीजेपी महिला सशक्तिकरण की भी काफ़ी बात करती है और दिया कुमारी को बीजेपी ने डिप्टी CM बनाया है, और 2024 में बीजेपी की राहें कहीं ना कहीं आसान होती हुई नजर आ रही हैं।